उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में यातायात माह के चलते स्थानीय प्रशासन तरह तरह के कार्यक्रम कर जनता को निरंतर जागरूक कर रहे हैं तथा यातायात नियमों के महत्वपूर्ण टिप्स देकर व पंपलेट बांटकर भी जनता को यातायात नियमों को पालन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। शाहजहांपुर जिले में यातायात जागरूकता दिवस काफी बढ़ चढ़कर मनाया जा रहा है। इस दौरान CO व RTO द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम के चलते आज शाहजहांपुर में लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया जा रहा है तथा लोगों को पंपलेट वितरित कर सुरक्षित ड्राइव करने के लिए जागरूक किया जा रहा है तथा लोगों को यातायात नियमों के पालन करने की शपथ भी दिलाई जा रही है। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को संदेश दिया गया कि यहां यातायात नियमों का पालन कानूनी रूप से जरूरी है, वहीं लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यातायात नियमों का लोगों को पालन करना चाहिए। आपको मोटर वाहनों के नियमों को अपनाना चाहिए और उसको अपनाते ही आप अपने घर सुरक्षित वापस जब पहुँच सकते हैं। और इसी के साथ मुझे ये जो हम लोगों के साथ जो घटनाएं होती है जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है और परिवार को इसको सहना पड़ता है, ये बहुत मार्मिक घटना होती है और इससे लोग बहुत आहत होते हैं। हम लोग उसमें सरकार की मंशा भी है कि उसको कम किया जाए, इसीलिए हम लोग इस माह में नवंबर में हम लोग रोड सेफ्टी वीक मना रहे हैं 18 से 24 में, जिसमें हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं अवेयरनेस का, सड़क सुरक्षा अवेयरनेस का, और ये बताते हैं लोगों को जब भी आप टू व्हीलर चलाएं हेलमेट लगाएं और जब भी आप फोर व्हीलर चलाएं पहले सीट बेल्ट लगाएं और सीट बेल्ट लगा के यात्रा करें। हालांकि हम लोग के कार्यक्रम ये पुलिस विभाग के सहयोग से ही निरंतर चलता रहता है। यातायात माह भी हम लोगों का चल रहा है, उसमें हम लोग रोड सेफ्टी वीक भी चला रहे हैं। अलग अलग विभागों का है एक कार्यक्रम, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनको कम किया जा सके, इसलिए हम लोग पहले तो इसको हम लोग अवेयरनेस के तौर पर चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम जो भी हम लोग चला रहे हैं ये ट्रैफिक यातायात की जानकारी के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। इसको एक मतलब बोझ न बनाएं, इसको जीवन शैली बनाएं और इसको लेके आप अपने बच्चों को भी परिवार को जनमानस को भी अवेयर करें तरीके से हो रहा है। ये एक्चुअल में भी यातायात माह चल रहा है। यातायात माह का मुख्य उद्देश्य है कि जनमानस को जागरूक कराना, जिससे वो यातायात के नियमों का पालन करें और जो दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होती है और जो घायल हो जाते हैं उनमें हम किसी भी तरह से कमी ला सकें और लोगों को जागरूक कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। सर आगे इस कार्यक्रम कहाँ कहाँ करेंगे? एक तरह के कार्यक्रम पूरे महीने चलेंगे। आज नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम है तो ये पूरे शहर में किया जाएगा, इसके बाद हम लोग घंटाघर पे जाएंगे, वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, फिर दूसरे महत्वपूर्ण जगह में यहाँ पे इसको कार्यक्रम किया जाएगा। यातायात माह नवम्बर के अंतर्गत आज यातायात द्वारा नुक्कड़ नाटक शहर के विभिन्न चौराहों और चिराहों पर करवाए जा रहे हैं। उसी संबंध में आज रोडवेज टैक्सी स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक की टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन कराया जा रहा है। जागरूकता और नियमों के प्रति दोपहिया वाहन चलाने और चार पहिया वाहन चलाने के प्रति लोगों में जागरूकता व्याप्त हो, इसीलिए यहाँ पर जो है नुक्कड़ नाटक का आयोजन कराया जा रहा है। कब तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा? ये कार्यक्रम जागरूकता का अभियान पूरे माह नवम्बर भर चलता रहेगा।